कौन है किम देवी? जहाज से भारी भरकम बक्से गिराए जाने लगे जो करीब 4 टन वजनी थी। लोग करीब गए और बक्सों को खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बगैर CIA के प्रोटेक्शन के ये संभव ही नहीं था। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। डेनमार्क की एक अदालत ने पुरलिया हथियार कांड के मुख्य आरोपी नील कृष्ण उर्फ किम देवी के भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया। भारत सरकार लगभग 2 दशक से किम देवी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है, हर बार उसे झटका लगता रहा है। कौन है किम देवी, क्या है पुरलिया हथियार कांड, जानी पूरी कहानी। 17 दिसंबर 1995 की बात है। पाकिस्तान के कराची से एक कार्गो प्लेन ने उड़ान भरी। प्लेन का नाम था AN-26। ये रूसी कार्गो प्लेन करीब जर्जर हो चुका था। इस जहाज को कराची से इंडियन एयर स्पेस से गुजरते हुए ढाका जाना था। जहाज बनारस के एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। जहाज को रिफिलिंग के लिए उतारा गया। जब दोबारा उड़ान भरी तो ओरिजिनल कोर्स की जगह अचानक अपना रास्ता बदल लिया। जहाज बिहार के गया होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ गया और जब पुरुलिया के करीब पहुंचा तो फ्लाइंग करने लगा। जहाज से भारी भरकम बक्से गिराए जाने लगे जो करीब 4 टन वजनी थे। उस वक्त तक अंधेरा घिर गया था। जहाज के अंदर से आवाज आई, मिशन ओवर। अब आइए जानते हैं उन बक्सों में क्या था। 18 दिसंबर की सुबह जब पुरुलिया के लोग अपने खेतों की तरफ निकले तो उन्हें बक्से दिखाई पड़े। ये बक्से इतने बड़े थे कि दूर से ही नजर आ रहे थे। लोग करीब गए और बक्सों को खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनमें ऐसे हथियार भरे थे जिसे लोगों ने अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा था। इस घटना को करीब से कवर करने वाले चंदन नंदी अपनी किताब द नाइट इट रेन गन्स अनरिवलिंग द पुरलिया आर्म्स ट्रॉप कॉन्स्पिरेसी में लिखते हैं कि उन बक्सों में 300 AK-47 राइफल, 9 mm की 25 पिस्टल, 2 7.62 स्पॉनर राइफल्स, 100 एंटी टैंक ग्रेनेड, 10 RPG रॉकेट लॉन्चर और 23,800 राउंड गोलियां और नाइट विजन बाइनोकुलर जैसे हथियार भरे हुए थे। जब तक स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती, लोग कुछ हथियार अपने साथ उठा ले गए। जब इस घटना की राज्य सरकार के जरिए केंद्र सरकार को खबर लगी तो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए। रॉ और IB जैसी खुफिया एजेंसी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर किसने और क्यों पुरुलिया में हथियार गिराए। इस दौरान AN-26 कार्गो जहाज के बारे में भी सुराग मिला। जांच एजेंसियां इस जहाज के बारे में और पड़ताल कर रही थी कि ये दोबारा भारत में नजर आए। इस बार विमान चेन्नई एयरपोर्ट पर खड़ा था। चंदन नंदी लिखते हैं कि हथियार गिराने वालों ने वापसी कराची जाने के लिए फिर इंडियन एयर स्पेस को चुना। यही उन्होंने गलती कर दी। पुरुलिया में हथियार गिराने के बाद वे कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट गए। वहां रिफिलिंग के बाद थाईलैंड चले गए। वहां से वापस चेन्नई लौटे और रिफिलिंग के बाद कराची जाने वाले थे। इस दौरान इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी के रडार पर आ गई। जैसे ही उनके जहाज इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुए, वैसे एयरफोर्स दो लड़ाकू विमानों ने पीछा किया और उनको अपने टारगेट पर रख लिया। उन्हें बार बार जहाज को मुंबई में लैंड करने को कहा गया। पहले तो नहीं तैयार हुए लेकिन बाद में उन्होंने अपने जहाज को मुंबई में लैंड कराया। उस जहाज में कुल 8 लोग सवार थे। नील कृष्ण उर्फ किम देवी, जो डेनमार्क का नागरिक था और पूरी कहानी का मास्टरमाइंड था। पीटर ब्लीच, जो ब्रिटिश नागरिक और आर्म्स डीलर था। ब्लीच ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी में भी रह चुका था। इसके अलावा सिंगापुर का नागरिक दीपक मणिकन, जो भारतीय मूल का था और रूसी बोलने वाले लातविया के 5 क्रू मेंबर शामिल थे। नंदी अपनी किताब में लिखते हैं कि सबसे खराब बात यह थी कि जब जहाज मुंबई में उतरा तो वहां कोई पुलिस अफसर ही नहीं था। जब तक कुछ लोग समझ पाते तब तक किम देवी वहां से फरार हो गया। किम देवी ने शुरू में दावा किया कि ये हथियार पश्चिम बंगाल में आनंद बाग नाम के धार्मिक संगठन के लिए गिराए गए थे जिसके कम्युनिस्टों से कट्टर दुश्मनी थी। उसने कहा कि चूंकि वो भी आनंद मार्ग से जुड़ा हुआ है और उनकी मदद करना चाहता था इसलिए हथियार गिराए। हालांकि बाद में वो अपने दावे से पलट गया और दावा किया कि हथियार भारत सरकार की मिली भगत से गिराए थे क्योंकि केंद्र की सरकार बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार को गिराना चाहती थी। बाद में आनंद मार्ग खुद सामने आया और दावा किया कि उसका इन हथियारों और किम देवी से कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे मामला तूल पकड़ने लगा। अब अखबारों में की हेडलाइन की शुरुआत ही पुरुलिया कांड से शुरू होने लगी। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच CBI को सौंप दी। ब्रिटिश नागरिक पीटर ब्लीच और सभी क्रू मेंबर्स पर भारत के खिलाफ जंग छोड़ने का आरोप लगा। उन्हें जेल में डाल दिया गया। हालांकि बाद में ब्रिटेन और रूस की पहल पर ब्लीच और सारे क्रू मेंबर्स को राष्ट्रपति से माफी मिल गई और रिहा हो गए। लेकिन भारत सरकार किम देवी के प्रत्यर्पण की कोशिश करता रहा। हर बार डेनिस कोर्ट से झटका लगा।
साल 2011 में किम डेवी ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर उसे भारत भेजा गया तो वहां से जिंदा नहीं लौट पाएगा। वरिष्ठ पत्रकार चंदन नंदी अपनी किताब में दावा करते हैं कि भले ही किम डेवी हथियार गिराने के पीछे अलग अलग दावे करता हो, लेकिन इसके पीछे वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसियां, खासकर CIA का हाथ था। वो लिखते हैं कि किम डेवी अमेरिका में कम से कम 2 मामलों में वांछित था। इसके बावजूद हथियार गिराने से ठीक पहले वो कम से कम 4 बार अमेरिका गया। बगैर CIA के प्रोटेक्शन के ये संभव ही नहीं था। इसके अलावा कराची एयरपोर्ट पर जिस एविएशन कंपनी ने AN-26 जहाज उपलब्ध कराया था, उसके भी CIA के साथ लिंक थे। तो वाकई ये घटना अभी भी कहीं ना कहीं एक रहस्य बनी हुई है। अब देखना ये है कि इस रहस्य पर से वाकई पर्दा कितने सालों में उठेगा, कितना वक्त लेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।